नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया चैप्टर पॉलिटी का आप उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने। देखिए सबसे पहले अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सारे अपडेट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी, इससे भी जुड़िएगा, फेसबुक आईडी इसके माध्यम से भी जुड़ जाइएगा। और ये हमारे सिलेक्शन मेंटर, ये हमारी कोचिंग का नाम है। ये हमारे बीरत सर हैं जो है हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं। और यदि आप किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी जैसे यूपीटेट की तैयारी है, सीटेट की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी है, यूपीपीएससी की तैयारी है, यूपी टीपलएससी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी और आप 100% सफलता पाने के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे दोस्तों, यदि हमारे चैनल को डेली आप लगातार आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। तभी आप सारे जो डाउट है आपके अंदर वो सारे क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, हम लोग बताते हैं। ये देखिए भारतीय संविधान सभा, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करेंगे। आज हमारा पार्ट 2 है दोस्तों, और पार्ट 2 से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। जो हमारे छूटे हुए कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कुछ क्वेश्चन है वो छूट गए थे, वो हम सेकंड पार्ट के माध्यम से उसको कंप्लीट करना चाहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग डिमांड की गई थी। कैसे? वयस्क मताधिकार। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, वो 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू तीसरा है, प्रसाद, और चौथा है महात्मा गांधी। तो वयस्क मताधिकार के बाद संविधान के गठन की मांग की थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में आपको पता होगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। कौन है ये? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं दोस्तों, राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है ये दोस्तों? गुरु हैं, गुरु। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पेश किया था, ठीक है। और क्या थे ये? संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए C नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखिए तो सबसे पहले इन्हें हम कहा जा सकता है ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष भी थे। और क्या थे ये दोस्तों? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। महात्मा गांधी हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसका कथन था कि भारत की जनता अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करेगी। तो पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा अरस्तु, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होता है दोस्तों। जल्दी से अपने ऑप्शन के पुष्ट कर लीजिए, हम बताते हैं आपको ऑप्शन कौन सही होता है। तो B नंबर ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारत की जो जनता है उसमें अपने भविष्य का निर्माण करेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते हैं। अरस्तु कौन था? एक तो ये सबसे, ये तो राजनीति विज्ञान के जनक कहा जाता है दोस्तों, विज्ञान के जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे दोस्तों? जल्दी से बताइए। सरदार पटेल ये जो है समिति के अध्यक्ष रहे, वो भी किसके? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, संविधान समिति के अध्यक्ष है, समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान के प्रारूप में कितने वाचन संपन्न हुए थे संविधान के निर्माण में? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका दोस्तों। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको पहला सही है A नंबर सही है। 3 वाचन हुए थे दोस्तों। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे दोस्तों। कितने वाचन हुए थे? 3 में पहला वाचन कौन सा हुआ था दोस्तों? पहला वाचन हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक दोस्तों हुआ था। और जो दूसरा वाचन संपन्न हुआ तो वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के दोस्तों वो चला 26 नवंबर 1949 तक 26 नवंबर 1949 तक चला दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर 27 नवंबर 1949 से लगाकर दोस्तों ये चला मार्च 1952 तक। तो ये तीन आपके जो है वाचन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो तीन वाचन कुछ कंप्लीट हुए थे हमारे संविधान के प्रारूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? पहला 389, दूसरा 289, तीसरा 299, चौथा 275। अब देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन को, जल्दी से बताइए। तो ये इसमें पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में, ठीक है ना। तो कितने थे? 389। और ये 299 में कंफ्यूजन मत हुई, ये स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 मतलब जब पुनर्गठन हुआ स्वतंत्रता का तब इसमें 299 सदस्य थे, ठीक है ना दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन क्लियर होता है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन स्वराज पार्टी ने, दूसरा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग के 1942 में, चौथा सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो ये चार ऑप्शन में जल्दी से ऑप्शन अपनी पुष्ट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है संविधान सभा के निम्न विचार हेतु सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था दोस्तों। तो देखिए तैयार किया गया था, माध्यम पूछ रहा है, समिति पूछ रहा है, प्रारूप समिति द्वारा, परामर्श समिति द्वारा, संघ संविधान समिति द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें B नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन? B नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब B नंबर ऑप्शन में आपको मैं बता दूं इसमें क्यों, क्योंकि ये अक्टूबर 1947 में जो परामर्श समिति है दोस्तों, परामर्श समिति है जो दोस्तों, तो ये जो समिति थी दोस्तों ये जो है 1947 में अक्टूबर का माह था, अक्टूबर 1947 में पहला प्रारूप लाया गया, परामर्श से ही हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान का निर्माण की बैठकें चली, सारा कुछ वहाँ सारा संविधान से संबंधित कुछ चीज़ें क्लियर हुई। तो प्रारूप जो किसने प्रस्तुत किया तो आप बताएंगे किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया BN राव, ये सलाहकार थे, BN राव ये क्या थे दोस्तों? ये सलाहकार थे। BN राव क्या थे? सलाहकार थे, हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ठीक है ना, समझ गए। और उन्होंने पहले 60 देशों का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तभी इस बात पर पूरी आगे चर्चा बढ़ाई और संविधान के निर्माण में प्रक्रिया जारी किया। तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हो गई? मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुई? तो देखो पहला ऑप्शन जुलाई 1946 में, दूसरा अगस्त 1946 में, तीसरा सितंबर 1946 में, चौथा अक्टूबर 1946 में। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, कि कब सम्मिलित हुई थी मुस्लिम लीग, तो ये अक्टूबर का माह था, और ये चौथा ऑप्शन सही है, अक्टूबर 1946। 26 अक्टूबर को ये डेट थी, उसी दिन जो है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी दोस्तों। तो क्लियर होता होगा। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1947 के पुनर्गठन। अब ये देखिए यही पॉइंट आपको देखना है, 1947 के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो पहला ऑप्शन 208, दूसरा ऑप्शन 299, तीसरा 233, चौथा 260। अब ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जल्दी से क्लियर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही का कौन सा हो रहा है दोस्तों? 299। अब 299 में प्रांतों से कितने थे दोस्तों? तो प्रांतों से 229 थे दोस्तों, और देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतों से कितने थे दोस्तों? तो देसी रियासतों से 70 थे। तो पूरे हो गए आपके कितने? 299। ठीक है, समझ गए ना मेरी दोस्तों? वो 8वां नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। और 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ मतलब प्रथम बैठक कब चालू हुई? तो देखिए पहला है मार्च 1946, फिर 9 दिसंबर 1946, फिर 3 नवंबर 1947 और फिर चौथा है 26 नवंबर 1949। तो भैया जो है 4 ऑप्शन में सिर्फ केवल एक ऑप्शन सही है, उसमें कौन जल्दी से बताइए और ऑप्शन की पुष्टि करिए अपने कौन सा सही होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक और पहला अधिवेशन इसी दिन से स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ। तो 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। और 3 जून के बारे में अगर बता दें तो ये माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 और 26 नवंबर को संविधान क्या किया था? संविधान जनता द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था दोस्तों, अंगीकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये मार्च 1946, 22 मार्च 1946 लिख दें तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था हमारे यहाँ, कैबिनेट मिशन प्लान आया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है राजगोपालाचारी। तो आपको मैं बता दूं कि जो अंतरिम कैबिनेट मिशन, ठीक है, अंतिम सरकार का गठन, तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। एक एक ऑप्शन करके हम सबसे पहले देखते हैं और फिर और सारे अंतिम कैबिनेट मिशन अंतरिम जो कैबिनेट का जो क्या कहते हैं सरकार का गठन हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको मालूम है कि स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत से नाम संबंधित कोई भी समिति का निर्माण हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले रहे हैं, प्रांतीय संविधान अध्यक्ष ही रहे वो। ठीक है, संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे दोस्तों। क्लियर हो रहा है ना। और श्री राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये नोट कर लेना, कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा होगा। और हम सबसे पहले बात करते हैं अंतरिम सरकार का गठन। अब अंतिम सरकार के गठन पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे सरकार का पहला पॉइंट आपका क्या बनना है। सबसे पहले क्या है कि 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली सरकार का गठन हुआ दोस्तों। ठीक है ना, किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म है ना आपको, 24 अगस्त 1946 को। और क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने लोगों के साथ मिलकर दोस्तों, तो 11 अन्य सदस्य भी थे उनके साथ, 11 अन्य सदस्य थे और शपथ ली। और उसमें 3 मुस्लिम सदस्य भी थे दोस्तों, 3 मुस्लिम सदस्य भी थे दोस्तों। ठीक है, और इनका संबंध उससे है जो लीग में सम्मिलित नहीं थे, जो जो मुस्लिम लीग में सम्मिलित नहीं थे, मुस्लिम लीग में सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, वो थे, सम्मिलित नहीं थे। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जल्दी से जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल सेशन को जो है लाइक नहीं किया वो तुरंत कर ले, ठीक है, शेयर भी कर ले अपने दोस्तों के साथ में, करते रहें और सब्सक्राइब जल्दी से करें, ठीक है ना। और ये नंबर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। और फिर अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।